डीएनए टेस्टिंग जो कभी लैब्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित थी, आज उन लोगों के लिए सुलभ हो गई है जो अपने वंश, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि अपने जेनेटिक रहस्यों के बारे में सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। इस इनोवेशन ने व्यक्तिगत चिकित्सा, वंशावली और अपराधों को सुलझाने में एक नया युग ले आया है, जिससे लोगों को अपने डीएनए के 3 अरब अक्षरों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने का अधिकार मिल गया। आज के टॉपिक में हम जानेंगे डीएनए टेस्टिंग का क्या महत्व है, इसके एप्लीकेशंस यानी हमें डीएनए टेस्ट कब और किन स्थितियों में कराना चाहिए, डीएनए टेस्टिंग से हम क्या क्या जान सकते हैं और डीएनए टेस्टिंग कैसे किया जाता है। मैं हूं आपका होस्ट जैक्स और आप सभी का स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर गाइड्स पर। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको डीएनए टेस्टिंग से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। हमारे सेल्स की न्यूक्लियस में क्रोमेटिड्स होते हैं। रेगुलर एक्टिव सेल्स में मौजूद होने पर वे आमतौर पर उलझे रहते हैं। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिड्स किसी टेलीफोन वायर की तरह कॉइलिंग होना शुरू होते हैं और क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। क्रोमोसोम्स को जूम करने पर हमें उनमें छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखेंगे जो जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जीन्स से बनते हैं और जब हम एक जीन को जूम करेंगे तो उसमें हमें डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिन्हें हम सिंपली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड कहते हैं। इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स माँ से और 23 पिता से आते हैं। हमारी सारी जेनेटिक सूचनाएं हमारे पेरेंट्स से आधे आधे आते हैं। जीन्स हमारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आँखों और बालों का रंग, व्यक्ति की लंबाई, चेहरे की विशेषताएं, व्यक्ति को कौन से बीमारियां होने की कितनी संभावना है, जैसे कि उसे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, कैंसर इत्यादि होने के कितने चांसेस है, इन सारे चीज़ों को हम डीएनए टेस्टिंग से पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता को डायबिटीज है तो उनके बच्चों को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से जीन्स प्राप्त करते हैं और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। इसके अतिरिक्त हमारा ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, मेटाबॉलिज्म, हमारा पर्सनालिटी और बिहेवियर, इम्यून सिस्टम की इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने की क्षमता, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, किन चीज़ों से हमें एलर्जी हो सकती है इत्यादि की जानकारी भी हम डीएनए टेस्टिंग से पा सकते हैं। आइए आप जानते हैं डीएनए टेस्टिंग का क्या यूज़ है, किन चीज़ों के लिए और कब डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। डीएनए टेस्टिंग किसी व्यक्ति के बायोलॉजिकल मदर या फादर की पुष्टि करने के लिए, अपराधियों की पहचान करने में, किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने का कितना रिस्क है जानने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर्स जान सकते हैं दवाइयां उन पर कैसे और कितना काम करेगी। डीएनए टेस्टिंग से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले पता लगा सकते हैं कि डोनर का ऑर्गन रिसीवर के शरीर में काम करेगा कि नहीं। एक व्यक्ति के परिवार में अगर किसी को पहले कैंसर हो चुका है तो उस व्यक्ति को कैंसर होने का कितना रिस्क है, इस बात की पुष्टि भी डीएनए टेस्टिंग से की जा सकती है। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा डाइट आपके लिए सही रहेगा, कौन से स्किन प्रोडक्ट्स आप पे काम करेंगे एंड सो ऑन। बच्चे के जन्म से पहले पता लगा सकते हैं कि उसका हेल्थ कैसा रहेगा और उसे कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। डीएनए टेस्टिंग के बहुत से मेथड्स हैं। इनमें 4 कॉमन टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हैं: पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, वाई क्रोमोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्टिंग के लिए सैंपल के तौर पर सलाइवा यानी मुंह का लार, बाल, नाखून या ब्लड लिया जाता है। इसके अतिरिक्त हड्डी, दांत, स्किन, मसल, इंटरनल ऑर्गन्स के टिश्यूज से भी डीएनए टेस्टिंग होता है। सलाइवा से टेस्टिंग कॉमन है और इसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि माउथ स्वाइप्स को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और वे गर्मी से ख़राब नहीं होते। इस प्रोसेस में माउथ स्वाइप से मुंह के अंदर गालों पर रब करके सेल्स को कलेक्ट किया जाता है और लैब में स्वाइप में से डीएनए को अलग करके टेस्टिंग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी डीएनए टेस्टिंग से संबंधित सारी जानकारी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद।